A very warm welcome to each and everyone. And here with we are with Life Influence 6. गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। और इससे बेटर शुरुआत क्या हो सकती है एक टीचर्स डे की, जब जिंदगी हमें सिखाने वाली, वो जिंदगी जो हमें हर पल इम्तिहान लेकर बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के पैनलिस्ट जो आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, वो सभी जिंदगी से बहुत कुछ सीखकर, बहुत कुछ सिखाकर इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आज की ये शुरुआत श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल की एक मुहिम सैट फ्री इंडिया की, जिसमें साथ दे रहा है श्री गणेश विनायक फाउंडेशन, जो बहुत तेजी से ये अवेयरनेस सीरीज चला रहा है, जिसमें हम सैट फ्री इंडिया की कामना करते हैं। सैट ये एक एक्रोनिम है और स्टैंड करता है S for stress, A for anxiety, D for depression and D for disease. So yes, जिंदगी से मिलने वाले यही खट्टे मीठे अनुभवों को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं एक नई कड़ी के साथ। और इस कड़ी में जो भी हमारे साथ माननीय अतिथिगण जुड़ रहे हैं, इन सभी के पास जिंदगी से जुड़े बहुत सारे अनुभव हैं, जो मुझे लगता है अगले एक घंटे के लिए लाइफ चेंजर होने वाले हैं। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं अपने सारे अतिथि गण का वेलकम करूंगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं लीजेंड तीजन बाई जी, पद्मश्री पद्म विभूषण पांडविनी फोक सिंगर, मिस्टर रतन मनी लाल, मीडिया गुरु एंड सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर वर्षा वाडेकर, डायरेक्टर मंगलाकदम.com, कैरियर साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच, मिस्टर केदार पटेल, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट एंड नोडल ऑफिसर एट नालंदा यूनिवर्सिटी। और साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, डॉक्टर अनिल के गुप्ता, हु इज डायरेक्टर ऑफ श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, फाउंडर ऑफ पॉजिटिव हेल्थ जोन और सैट फ्री इंडिया के इस मुहिम में हम सभी को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि ये पूरा जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये पूरे कार्यक्रम को हमने बहुत सारी कड़ियों में डिवाइड कर रखा है। हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ। अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़ एक मुहिम है जो बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ के रूरल और अर्बन क्षेत्र में अपने पांव पसार रही है। इसके थ्रू हम कुछ 11,000 बच्चों की स्कूल विजन स्क्रीनिंग कर चुके हैं, 1,00,000 से ज्यादा लोगों तक मदद का हाथ बढ़ा चुके हैं। और बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर मैं कहूं, छोटी मोटी मदद जहां हमें दिखता है वहां हम करते हैं, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स को राशन देना हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस में उनका हेल्प करना हो, या फिर उनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं बच्चों की मदद करना हो। बहुत छोटी छोटी मदद है, लेकिन वही है, जब हाथ बढ़ता है तभी चीजें आगे बढ़ती है। तो इन्हीं कुछ कड़ियों के साथ एक हमारा मुहिम है सैट फ्री मुहिम। मैं चाहूंगी मेरी टीम एक छोटा सा वीडियो इसके बारे में दिखाए। टीम, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, इन सवालों को आपने भी जरूर फेस किया होगा। और आज आप एक बेहतर मुकाम पर हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आज आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं। जो आपने चाहा वह आपने अपना मकसद पूरा किया, आपकी मेहनत और काबिलियत के दम पर। इसीलिए हम अपना मकसद आपको बता रहे हैं, वह आप ही हैं
जो हमारे मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारा मकसद है अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़, संकल्प श्री गणेश विनायक फाउंडेशन का। आँखों के बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है यह बात हम सभी जानते हैं। अगर हमारी आँखों में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो कितनी तकलीफ होती है, इस बात का एहसास भी है हमें। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आँखों की जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका इलाज तो है मगर लोगों के पास धन का अभाव है। इसी समस्या को देखते हुए हमने संकल्प लिया कि जिनके पास धन का अभाव है हम उनका निःशुल्क इलाज करेंगे, और हमने हजारों की संख्या में लोगों का निःशुल्क इलाज किया। इस वीडियो में कुछ लोगों का आप हंसता हुआ चेहरा देखेंगे, यह उन्हीं में से कुछ लोग हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ के ज़रूरतमंद नेत्र समस्या से ग्रसित लोगों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले इस कार्य को नहीं कर सकते, इसीलिए इस कार्य में हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप हमारा साथ देंगे? आप अपने घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन, सालगिरह पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि आप अपनी खुशी को व्यक्त कर सकें, या परिवार में किसी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की मदद से किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं तो वह जब अपनी आँखों से इस दुनिया को देखेगा तो ना सिर्फ आपको दुआ मिलेगी पर ऐसी खुशी मिलेगी जिसके सामने सारी खुशियाँ बौनी नजर आएंगी। हम नहीं जानते कि अंधेरे में छोड़ा गया एक छोटा सा तीर कितने घर को रोशन करेगा, लेकिन हमें यह यकीन है कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इसका सारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी है जो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कश्ती मेरी लहरों में डगमगाती है, वो दरिया में डाली हुई नेकियां बाहर निकल कश्ती को बचाती है। थैंक यू सो मच जी। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं उनको आवाज देना चाहूंगी जिनका इंट्रोडक्शन किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। मैं बात कर रही हूँ तीजन बाई जी की, वो नाम जो शायद हर एक बच्चा पहचानता है। इनका जन्म से लेकर आज तक इन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट दोनों पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पांडवनी फोक सिंगर, ऐसे कुछ नामों के साथ इनको आवाज दी जाती है। 1988 में इनको पद्मश्री, 2003 में इनको पद्म भूषण और 1995 में संगीत नाट अकादमी पुरस्कार, साथ ही 2007 में नृत्य शिरोमणि से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं सीधे रुक करती हूँ तीजन बाई जी की तरफ। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमारे शो को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए, और आज जैसा कि एक शिक्षक दिवस है, आपका चैनल म्यूट है। जी जी, अब हम आपको सुन सकते हैं। जी मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक जीता जाता उदाहरण हैं हम सबके लिए कि कैसे चुनौतियों को आप सकारात्मकता के साथ सही दिशा दे सकते हैं। आपकी तरफ मैम। आप कैसे चुनौती देते हैं वनवाणी क्षेत्र में आज ना, आपके चुनौती कैसे देते हैं? कहा चुनौती मतलब? मतलब वनवाणी के लिए सामने आए थे, बारे में बता दे, वनवाणी बारे में बता दे। मैं वनवाणी अभी तक जब मैंने शुरू की उसके बाद तो बहुत सारे बच्चियां भी तैयार हो गई हैं और प्रोग्राम सब कोई दे रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि पंडवानी मेरे जाने के बाद भी रहेगा, यह मुझे विश्वास है।
और पंडवानी ऐसे चीज है कि ये धार्मिक श्री कृष्ण के पूरा लीला, श्री कृष्ण ने जो काम किया वो काम तो अधूरा नहीं होगा, वो तो पूरा होगा। तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा, मैं नहीं हूँ पर दूसरे रहेगा, वो भी काम करेंगे। इस तरीका ये पंडवानी के जो परंपरा है वो चलती रहेगी, ये मुझे विश्वास है। मैम कुछ अपने जीवन से आप बताना चाहेंगे कि जो चुनौतियां आपने सामना करी, कोई भी एक चुनौती जो आपको लगी हो, जब आप पहली पांडवनी गायिका है महिला, एज महिला के रूप में, तो आप वो चुनौती कुछ हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? मैं पंडवानी सीखी तो 13 साल की उम्र में नाना के पास सीखी हूँ, और 13 साल के अंतर्गत में मैं स्टेज में कार्यक्रम भी दी चिनखुरी नाम गांव में, और वहां लगातार मैंने प्रोग्राम 18 दिन के की। उसके बाद फिर मैं गांव गांव में करती रही, घर आ गई बरसात लगने के बाद, क्योंकि कुछ दिन करने के बाद मैं घर लौटी। गणेश पक्ष में जिस दिन गणेश रखवाली करते हैं उसी दिन फिर मैंने बाहर निकली, वो अभी तक ले निकली हुई। और आपसे ये रुकावट भी आई इसमें, रुकावट आई इसमें जब पंडवानी चालू करी तो का रुकावट आई पूछा? रुकावट तो बहुत सारा आया, परिवार से, माता पिता से, भाई बंधु से, पर मैंने उसको परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ी हूँ। मैं सच में आगे बढ़ते हुए पीछे लौट के नहीं देखी, वो अभी तक वही हाल है। गा रही हूँ, प्रोग्राम दे रही हूँ अभी भी। जी मैम, मैम आपके जज्बे को सलाम। जो आपने समाज की, दुनिया की परवाह ना करते हुए, एक लक्ष्य रखते हुए आप आगे बढ़ी, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा आपने कहा, एक किताब मैंने कभी पढ़ी थी डाई एम्प्टी करके, जिसमें कहा गया था कि आप, हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले जो हमको आता है वो हम अपने साथ में लोगों को बांटते चले। तो ये तो मैम आपने बहुत अच्छी बात सिखाई कि आप अभी ट्रेनिंग दे रही हो और लोगों को, कि ये जो कला है, जो पांडवनी कला आपके द्वारा चली आ रही है, वो कैसे ना कैसे चलती रहे। मेरे खुद के बच्चे जो सीखे है उनमें 270 बच्चा, उनमें मेरे एक पोता है और वो भी प्रोग्राम दे रहे हैं अभी। तो ये मेरे काम है सिखाने का और बच्चों लोगों को तैयार करने का, क्योंकि हमारी परंपरा बचे रहे ये मैं प्रयास कर रही हूँ। और प्रयास करना जरूरी है क्योंकि परंपरा को भी तो बचाना है, इसलिए। बिल्कुल मैम, कोशिशें ही सफल होती हैं, और यही कुछ सीख है जो आपसे लोग जीवन में सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने समय निकाल के, मैं देख रही हूँ कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन आज भी आप उन मुश्किलों के बाद हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी, तो जैसा आपने सुना मैम को, बहुत कुछ कह गई वो कम शब्दों में। उनके टाइम में जब वो 13 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था, तो उनको समाज से, सबसे काफी प्रॉब्लम हुई, बट फिर भी उन्होंने लक्ष्य साधा और आज वो हमारे सामने एक लेजेंड के रूप में मौजूद हैं। व्हाट बेटर कैन आई आस्क फॉर। सो यस, और इसी के साथ ही जो मैं अगले इंसान को आवाज देने जा रही हूँ, इनके पास भी कुछ 40 सालों का अनुभव है, 40 साल से ज्यादा इनफैक्ट। इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर्स, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं आपके, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, भास्कर ग्रुप, इन सबको संचालित ये कर चुके हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिकली लॉन्चिंग न्यू एडिशंस ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर्स, फेवरेट कमेंटेटर टू मेनी ऑफ द नेशनल न्यूज चैनल्स, एडिटोरियल एडवाइजर एंड नेशनल एडिटर टू सेवरल मैगजीन्स। ही हैज ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड आर्मी ऑफ यंग जर्नलिस्ट एंड कम्युनिकेशन
specialist, including me, of course, while heading Jaipuria Institute of Mass Communication. And yes, I can't ask anything more than this. Welcome our favorite Lal sir to the show. And what a joy to hear you on TJ, sir. I'll take this opportunity to invite you to help us with see through your life, which faced many challenges, and you turned them into opportunities. Over to you, sir. Sir, mute hai. मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल. ओके. सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अनुभूति आपको और आपकी संस्था को और आपके पूरी टीम को और डॉक्टर अनिल गुप्ता जिन्होंने इस पूरे एंडेवर को साकार किया और इसे सफल बनाया. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. तीजन भाई जी का बहुत धन्यवाद क्योंकि वो लीजेंड हैं. वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और उनका इस प्रोग्राम में यहाँ पे उपस्थित होना यही इस पूरे प्रोग्राम की गरिमा को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है. तीजन भाई जी आपको अभिवादन. वर्षा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपसे बहुत लंबे अरसे बाद मुलाकात हो रही. आपको देख के मुझे बहुत खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा में मुझे आपसे भी कुछ नई जानकारी और कुछ नई चीज जानने को मिलेगी. और केदार पटेल जी आपका भी बहुत अभिवादन. मुझे बहुत खुशी है कि अनुभूति के इस कार्यक्रम ने मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया. अनुभूति ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोला जो कि एक छात्र होने के नाते मुझे लगता है और मैं उनका टीचर रह चुका हूँ तो उनके मन में मेरे प्रति जो भी आदर और आभार की भावना है वो उन्होंने ही उसको साकार किया है. और आई थैंक हर फॉर ऑल द नाइस थिंग्स शी सेड अबाउट मी. सच तो ये है कि मेरी शुरुआत एक बहुत ही सामान्य तरीके से हुई. कोई ये स्ट्रोक ऑफ लक या कोई एक ऐसा नहीं था कि अचानक से मुझे कुछ मिल गया हो. 1975 में जब लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद मैंने अपना करियर बनाने की सोची तो जर्नलिज्म मेरा एक ऑप्शन था. और उसके बाद जैसा सबके साथ होता है करियर बनता चला गया. और जो चैलेंजेस की बात आती है तो मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा कि मुझे वो चैलेंज मिड कैरियर से थोड़े सालों के बाद फेस करना पड़ा जब कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से माय टेन्योर एट हिंदुस्तान टाइम्स वाज कट शॉर्ट एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ प्लंज इनटू समथिंग न्यू. मैं एक करियर जर्नलिस्ट हमेशा से रहा. एडिटर था मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में. हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ने के बाद जब मेरे पास ये चांस थी कि मैं अपने लिए कोई नया करियर लखनऊ के बाहर ढूंढ लूँ तब मुझे मेरे अपने कुछ मित्रों ने कहा कि हम चाहेंगे कि मैं एकेडमिक्स में कुछ करूँ. और ये वो टाइम था जब एकेडमिक्स में जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट वो कम जाते थे. ऐसा माना जाता था कि जो लोग पत्रकार हैं एडिटर हैं रिपोर्टर्स हैं उनको यही काम करना चाहिए. कहाँ पढ़ाने लिखाने के चक्कर में जाएंगे. और उस समय ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2007 की मुझे माफ कीजिएगा सन 2000 की. और उस समय वो जो एक जर्नलिज्म की पढ़ाई का एक स्वरूप हम आज देख रहे हैं वैसा नहीं था. लेकिन इसे मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया. और यहाँ पे जो मेरे सामने सबसे बड़ी एक चुनौती थी वो ये कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं था. मेरे पास किसी तरह की टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था. मेरे पास कोई टीचिंग की जो क्वालिफिकेशन होती है ना पीएचडी कर लिया बीएड कर लिया वो भी नहीं था. लेकिन हाँ ये कॉन्फिडेंस था और ये भरोसा था कि मैंने इतने सालों तक जो कुछ भी किया है और अपने कार्यकाल में जो मैं अपने जूनियर्स को ट्रेन करता था मैं बिल्कुल वैसे ही अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करूंगा. और वो क्लास में वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे बल्कि मेरे ट्रेनीज होंगे.
ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टेटमेंट हुआ करता था तब भी और आज भी, कि पत्रकारिता और इस तरह के जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, इसमें जो लोग नया सीखते हैं वो छात्र नहीं होते, वो प्रशिक्षु होते हैं, वो ट्रेनीज होते हैं, उनको आप पढ़ा नहीं सकते। जैसे एक्टिंग है, थिएटर है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, पत्रकारिता है, लिटरेचर है, इसमें आप क्या पढ़ाएंगे किसी को? आप उन्हें काम करना सिखा सकते हैं, आप उन्हें काम की बारीकियां बता सकते हैं, आप उन्हें काम के पीछे के जो सिद्धांत हैं वो बता सकते हैं, जो कि आपके अपने अनुभव पे आधारित होगा। तो इन्हीं चीजों के दम पर मैंने ये किया और मुझे बहुत खुशी है कि उस समय जो भी लोग मेरे साथ थे, ज्यादा लोग नहीं थे, और मुझे ये भी कहने में कोई हिचक नहीं है कि मेरे साथ के जो संपादक थे उन दिनों के, उन्होंने इसको बहुत हल्के में लिया कि लगता है लाल साहब के पास कोई काम आम नहीं है इसीलिए वो टीचिंग में जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। और सभी लोगों के सहयोग की वजह से ही कुछ ही मैं समझता हूँ कुछ ही महीनों के अंदर मुझे जो सफलता मिली, जो सक्सेस मिला, वो मेरी कल्पना के बीच बियॉन्ड था। मैंने नहीं सोचा था कि उस समय जिस तरह की एक ट्रेनिंग और टीचिंग मैं कर रहा था वो पूरे देश में शायद कहीं नहीं दी जा रही थी। और अनुभूति से पहले जो भी बैचेस हमारे इंस्टीट्यूट में आए वो सब ही मुझसे सिर्फ यही कहते थे कि सर आप तो टीचर लगते ही नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने टीचर्स और टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि टीचर को टीचर नहीं लगना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि वो लोगों को वो काम सिखा रहा है जो वो करना चाहते हैं। उनकी जो मजबूती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी ओर उनका ध्यान मोड़ना चाहते हैं और उनसे वो काम बेहतर कराना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। असल में टीचर सिद्धांत और थ्योरी जो पढ़ाते हैं वो तो केवल एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर काम करने का तरीका सिखाना भी टीचर ही सिखाता है। और अगर टीचर ने किसी चीज की थ्योरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से लोगों को बता दिया तो ये मान के चलिए कि वो लोग आगे उस थ्योरी को प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो दो तीन चीजें मैंने देखी हैं, समझी हैं, और आज तक जब मैं एक इंडिपेंडेंट एकेडमिशियन और मीडिया पर्सनालिटी के तौर पे काम करता हूँ, आज तक जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में जब किसी अचानक से किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मजबूती क्या है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति के पास कुछ भी मजबूती ना हो, सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा काम कर लेता है, कोई अच्छा काम करवा लेता है, किसी के पास अनुभव का खजाना होता है। अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जब सिचुएशन चुनौती के तौर पे सामने आए तो किसी भी नई चीज को सीखने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, चाहे जो उम्र हो। ये चीज मैंने बहुत बाद में सीखी, जब तमाम सारे ऐसे काम जैसे प्रिंट से टेलीविजन में आना, टेलीविजन से डिजिटल में जाना, डिजिटल से वर्चुअल में जाना, और मेन जर्नलिज्म के अलावा तमाम तरह की और चीजें लिखना, वेबसाइट्स का मैनेजमेंट करना, कंटेंट का काम करना, विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए लिखना, ये सब चीजें मैंने खुद तय किया कि मैं अगर एक एडिटर के तौर पे काम करता हूँ तो मुझसे अपेक्षा की जाएगी कि मैं किसी भी चीज को हैंडल कर सकता हूँ जहाँ पे एडिटिंग की जरूरत हो। तो मैं सभी अपने जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, पहचानो, कुछ नया सीखते रहो और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बार कहा जा चुका है लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती कि कोई भी अगर चैलेंज आए तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और सफलता इसी से मिलती है।
अनुभूति आप मुझे लगता है कि जब हम लोग जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जब हम लोग टीचिंग और प्रैक्टिकल का काम करते थे तो कई कई नए अभिनव प्रयोग हम लोगों ने किए और वो प्रयोग ऐसे थे जो कि आज भी जो हमारे तत्कालीन स्टूडेंट्स हैं उनके काम आते हैं। और मुझे इसी बात की खुशी है कि कभी भी कोई चैलेंज आए तो डर सबको लगता है, कुछ आप जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ हो जाए तो डर सबको लगता है, हर व्यक्ति घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन उनसे निपटने का तरीका एक ही है कि जो कुछ हमारे पास है, रिसोर्सेज है, नॉलेज है, ज्ञान है, अनुभव है, हमें उसी को आधार बना के आगे बढ़ना चाहिए और उन चीजों पे कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए जिनके बारे में हम श्योर नहीं है। जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि अरे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे जाके मदद ले लेंगे, अधिकतर केसेस में ऐसे लोगों से मदद नहीं मिलती या केवल सलाह मिल जाती है और उस तरह की मदद नहीं मिलती जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कोशिश हमेशा यही मैंने की है और मैं यही सलाह भी देता हूँ कि अपनी मजबूती को और मजबूत करो, कुछ न कुछ नया हमेशा सीखते रहो और कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने ज्यादा लोगों के साथ कुछ अच्छा आप कर सकते हैं करें, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में आप जितना अच्छा करते हैं आपके साथ उतना ही अच्छा होता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे बताएं कि जो कुछ भी मैंने अभी तक किया है और एक्सपीरियंस किया है क्या वो आम तौर पे सब लोगों के जीवन पर भी लागू होता है या नहीं। धन्यवाद सर, मतलब आपने तो पूरा सार निकाल दिया हमारे 5 एपिसोड का। तो as said कि आप मीडिया गुरु हैं और आपने अपनी इस बातों में पूरा सार निकाल के हमको दे दिया। जैसा आपने मेंशन करा अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानो, और शायद यही आपने उस वक्त सिखाया था जो हमें अभी तक काम आ रहा है। 17 इयर्स एंड स्टिल काउंटिंग एंड आई होप टू ग्रो मोर विद यू। तो इससे बेटर एडवाइस कुछ नहीं हो सकती कि वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। वीकनेस के बारे में ये जो आप लाइनें कह रहे हैं इससे कुछ कुछ सहमति हमारे डॉक्टर गुप्ता भी रखते हैं, और आगे जब हम सुनेंगे तो आपने जैसा क्वेश्चन करा है मैं ये सारे क्वेश्चन अपने पैनलिस्ट के साथ भी लेना चाहूंगी। अनुभूति जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जी कि रतनलाल जी को सुनकर मुझे वो बात याद आ गई कि दे आर द रियल इकिगाई ऑफ इंडिया। करेक्ट करेक्ट। जो हम इकिगाई बुक पढ़ते हैं वो बुक पढ़ने से ज्यादा नॉलेज ऐसे लोगों के पास में है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो लाइफ में इंप्लीमेंट करके रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स में से बाहर निकला जा सकता है। थैंक यू रतन जी फॉर योर काइंड गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल सर, और एक नई बात जो मुझे अच्छी लगी, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उससे एक तो हिम्मत बढ़ती है, आपके पास नया चैलेंज रोज होता है तो आप उसकी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है उस पे वर्क करने के लिए। तो दिस गोज विद डॉक्टर अनिल गुप्ता, वो हर कोशिश करते हैं हम एज अ टीम हम लोगों के तरफ नए नए चैलेंजेस थ्रो करने के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। तो ये सीरीज भी बस एक चैलेंज का नतीजा है। तो हम कैमरे पे बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लाल सर फॉर बीइंग विद अस। और जैसा सर आपने मेंशन करा, मैं एक मिनट लूंगी आपको अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बताने के लिए। तो इसी तरह के कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ छत्तीसगढ़ में बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, सेंट्रल इंडिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टीम कैन वी हैव द वीडियो। आंखों से जुड़ी सारी परेशानियों को दूर कीजिए, आइए गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और श्री गणेश कीजिए खूबसूरत नजारों का। आई हॉस्पिटल मतलब श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, ऑपोजिट कलर्स मॉल, पचपेड़ी नाका, रायपुर जी। और सर आप ही की बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने अगले पैनलिस्ट को आवाज देने जा रही हूँ, डॉक्टर वर्षा वाडकर। माफ कीजिएगा, मैंने शुरुआत में इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत ले लिया था। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है माय अगला कदम एकेडमी, एंड ये बहुत ही सालों से बहुत चर्चित नाम है
काउंसलिंग के सेक्शन में, गाइडेंस के सेक्शन में, आप हर दूसरे दिन इनको पेपर्स के फ्रंट पेज पे देख सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने लाखों की तादाद में बच्चों को ट्रेन करा है, एक नहीं लाखों की संख्या में अब ये हैं। मास गैदरिंग हो चाहे वन टू वन इंटरेक्शन हो, मैम को बहुत आसानी से मिलकर कभी भी कोई भी काउंसलिंग सेक्शन के लिए बात करी जा सकती है। और जैसा कि आज का हमारा एपिसोड सारे शिक्षकों को डेडिकेटेड है, जिन्होंने जिंदगी से सीख के शिक्षा की इस पूरी उसको आगे बढ़ाया है, तो इस शिक्षक की कड़ी में मैं आगे मैम को लूंगी, जिनको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से काफी अवार्डों से नवाजा जा चुका है इनके बेहतरीन काम के लिए। एक अलग कार्यशैली का ये प्रदर्शन करती है, एक पर्सनल गाइडेंस जो होती है लोगों के पेन एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंगली समझाना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर मैम का बहुत ही बेहतरीन हाथ है। और इसके साथ ही साथ मैम एक साइकोलॉजिस्ट भी है, कैरियर काउंसलर है। तो मैं बेताब हूँ मैम नेक्स्ट आपको सुनने के लिए। वर्षा मैम वेलकम टू द शो एंड ओवर टू यू। क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है और जैसा लाल सर ने बोला कि ऑपर्चुनिटीज को कैसे कहाँ यूज करना है, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करना है, यही आज सीखना है हमें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अनुभूति। सर्वप्रथम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। दुनिया के सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए, तीजन भाई मैडम को और मेरे जो गुरु है, जिन्होंने, उन्हें नहीं मालूम है कि उन्होंने मुझे कुछ शिक्षा दी है कि नहीं, पर मैंने उनसे काफी सारी शिक्षाएं ली हूँ। तो सबसे पहले अनुभूति आपको धन्यवाद देती हूँ कि बहुत दिनों बाद सर से रूबरू होने का मौका मिला, तो उसके लिए आज का दिन शिक्षक दिवस का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है। श्री केदार पटेल जी जो आज बच्चों के काउंसलिंग में एम्प्लॉयमेंट रोजगार ऑफिसर नालंदा यूनिवर्सिटी, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ ने जो इतिहास रचा है उसके पीछे मैंने केदार पटेल सर की मेहनत देखी है। अनिल गुप्ता सर जी जिस तरह से मानसिक स्वास्थ्य की फील्ड में, हम कभी रूबरू नहीं हुए, हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर धन्यवाद मीडिया को भी जो हमको हमेशा मिलवाता रहा। और अनुभूति तुम तो कमाल की हो, है ना, एक वुमेन एंटरप्रेनर के नाम पे बच्चों की स्कूल एजुकेशन में जो तू काम कर रहे हो वो बहुत ही सराहनीय काम है। और आपने जैसा चुनौतियों की बात पूछी तो एक शेर आगे याद आ गया कि आप पूछते हो कि दर्द कहाँ होता है, आप पूछते हो कि दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊ कि दर्द वहां होता है। अरे वाह, तो चुनौतियां तो हर जगह से रही। और हाँ, जब तक कक्षा 12वीं तक अपने मम्मी पापा के सानिध्य में अपने गृह ग्राम सिवनी में रही, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम भाग ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एनआईटी रायपुर में आने के बाद थोड़ी सी एकेडेमिकली चुनौतियां आई, फिर सिविल में इकलौती लड़की थी, 1988 की बात कर रही हूँ, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ 10 या 12 लड़कियां होती थी और उसमें हमारे सिर पे फितूर था, तो हमने सिविल इंजीनियरिंग लिया और सिविल इंजीनियरिंग में अकेले लड़की होने का एक चैलेंज था। उसके बाद इंडिया टुडे में जॉब ज्वाइन किया, वहाँ सेल्स का जॉब ज्वाइन किया, वहाँ 25 लड़कों के बीच में अकेली लड़की होने का चैलेंज और ऊपर से हार्डकोर सेल्स में काम करना, बॉम्बे में क्राफ्ट मार्केट में लोहार चाल में वहां जाके डोर टू डोर सेल्स करना, फिर रहेजा ग्रुप में कंपनी में वहां भी मैंने सेल्स में मुंबई में काम किया और मुंबई के अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब मेरी जिंदगी का फेवरेट स्थान है मुंबई। अभी मुझे फिर से मौका आना पड़े तो मैं शायद फिर मुंबई में जीना पसंद करूंगी, क्योंकि जो मुंबई ने ना मुझे जिंदगी जीने की जो जद्दोहद सिखाई है, टाइम मैनेजमेंट सिखाया है और एक जो मुंबई वासियों का जो है ना ये जो जुनून है वो कभी खत्म नहीं होता। बोलते हैं ना कि मुंबई सिर्फ लॉकडाउन में बंद रहा, अदरवाइज चाहे बम विस्फोट हो चाहे कुछ हो, मैं उस समय थी मुंबई हमेशा खड़ा होता था। तो कहने को मैं वरवण कर हूँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं शायद मुंबई का हूँ, मेरे अंदर मुंबई जीता है। ठीक है, उसके बाद सभी के साथ होता है, सपनों का राजकुमार मिला, ये सपनों के राजकुमार के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ छत्तीसगढ़ में आ गई और तब यहाँ से ज्यादा चुनौतियां शुरू हुई, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में काम करने के बाद में उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, हमारा खुद का अस्तित्व नहीं था, हम मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा था,
आज आप सब लोगों की मैं नई जनरेशन को देख रही हूँ, महिला उद्यमियों की बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन उस जमाने में मैं और एक या दो ही लोग थे जिन्होंने महिला उद्यमी होने का काम किया, और उसमें भी वो जो मेरे जो पतिदेव है डॉक्टर अजीत वरवणकर, वो अमिताभ बच्चन के काफी फैन है, और वो जो है ना कि मेरी जेब में 500 रुपए नहीं है और 5 लाख का सौदा करने निकला हूँ, तो वो विश्वास के साथ हम फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योरशिप हमने शुरू करी। जेब में पैसा नहीं था लेकिन हौसले और बुलंदियां बहुत थी, और गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, और चाहे वो पारिवारिक जीवन की चुनौती हो, उसमें अपने आप को आपको प्रूफ करना था, चाहे आपकी बिजनेस की चुनौतियां हो, और स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़ में बात करती हो, 25 साल की उम्र में कोई महिला आकर ये बोल रही है, महिला नहीं बल्कि लड़की ही बोलूंगी उस समय, कि मैं कंसल्टेंट का काम कर रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंट का, रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास पैसा नहीं था तो कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, हमने कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, उसमें हमने रिक्रूटमेंट का काम शुरू किया, और जैसा बोलते हैं ना कि हाजी और आजी दोनों के लिए बाल सफेद होना जरूरी है, ऐसे ही कंसल्टेंट आप बन गए और आपके बाल सफेद नहीं हो, 25 साल की उम्र में आप कैसे कंसल्टेंट बन सकते हो। जब मैं फोन लगाती थी तो लोग मुझसे बोलते थे अपने बॉस से आप बात कराइए या बेटी पापा से बात कराओ, तो ये जो सब चीजें हुआ करती थी ना, तो और लोगों में सबसे बड़ी बात थी कि एक्सेप्टेंस नहीं था, और जैसा मैंने कहा ना कि माता पिता ने अगर मुझे उड़ने के लिए मुझे पंख दिए, तो मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने मुझे सपोर्ट किया, और शायद मैं दुनिया की एक शायद छत्तीसगढ़ की तो पहली महिला होंगी कि जिसने अपने ससुर जी के साथ बिजनेस शुरू किया, और मैं उनके साथ सदी में बैठकर हम लोग बिजनेस करते थे, बिजनेस करना शुरू किया, धीरे धीरे स्थितियां सुधार होते गए, अपना एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ, साथ साथ बच्चे भी हुए, तो मैंने 2 क्या मैंने 10 नावों में एक साथ सवार रही हूँ, परिवार को भी देखा है, घर को भी देखा है, करियर को भी देखा है, इस बीच कुछ हमेशा आगे बढ़ने की ललक होती रही, तो रिक्रूटमेंट का भी काम किया, कोरियर का भी काम किया, कोरियर सर्विसेज भी चलाई, और उसके बाद जो बेला 3M का पोस्टिंग करके एक आता था उसका भी काम किया, मतलब उस समय हमारा पहला उद्देश्य था कि हमको यहाँ पे आके जीविकोपार्जन करना है, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, और जैसा कि लाल सर ने बोला कि इस बीच हम ढूंढते रहे हमारे में बेस्ट किया हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में अपनी कुछ परिस्थितियों फैमिली के कारण छोटे बच्चे होने के कारण मैं आगे नहीं जाना चाहती थी, धीरे धीरे मुझे साइकोलॉजी में मैंने एंट्री किया, 13 साल के बाद मैंने छोटे 2 बच्चों के साथ में एम ए साइकोलॉजी किया, 3 गोल्ड मेडल के साथ में PhD की, और उसके साथ साथ बच्चों की करियर काउंसलिंग का काम शुरू किया, फिर एक मौका ऐसा आया कि जैसे कि लोग रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं जानते थे, लोग करियर काउंसलिंग के बारे में छत्तीसगढ़ में नहीं जानते थे, 2010 में आप में से शायद अधिकांश लोग जानते होंगे कि जो प्रयास करके नक्सलवाद क्षेत्र के बच्चों की जो प्रयास संस्था के स्थापना हुई, उस समय मैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजीत वरवणकर और 5 साल और 9 साल की बेटी को लेकर हम लोगों ने 15 दिन दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, जगदलपुर सब जगह जाकर 10,000 लोगों का हमने करियर काउंसलिंग किया, साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, और उनमें से हम 300 बच्चों को लेकर गुड़ियारी में स्थित प्रयास आवासीय भवन में आए, जिसके लिए उस समय पहले राज्योत्सव में नया रायपुर में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी महामहिम के द्वारा हमको शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड मिला। तो मतलब ये है ना अनुभूति की चुनौतियां आती रही, जिंदगी कभी सीधी नहीं चल रही थी, जिंदगी मुझे नींबू देती रही लेकिन मैं उसका लेमोनेड बनाते रही, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था लेकिन हम उसके ऊपर फ्लाई ओवर बनाते रहे, और इस बात पे मेरा हमेशा विश्वास रहा कि अगर आप क्राइसिस शब्द की बात करते हो तो क्राइसिस शब्द को जब आप चाइनीज में देखते हो तो उसमें 2 चीज छुपी हुई है, एक डेंजर है और एक अपॉर्चुनिटी है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ में जब भी क्राइसिस आता है तो हम सिर्फ डेंजर की ओर देखते हैं, हम सिर्फ फेलियर की ओर देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उस क्राइसिस में क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने भी कहा था कि हर क्राइसिस आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाता है, तो आपने अगर चुनौतियों को अवसरों में बदला, आपदा को कैसे अवसर में बदला है हम सब ने कोविड में ये देख लिया है ना, तो इसी तरह आपको चुनौतियों को अवसर में बदलते रहना है, और आप दूसरी बात ये रही कि बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि आई एम एन इंजीनियर साइकोलॉजिस्ट,
इंजीनियर टर्न इनटू साइकोलॉजिस्ट. तो इंजीनियर्स सिविल इंजीनियर हूँ, जिंदगी में हमेशा इस बात पर विश्वास रहा कि लाइफ में कोई भी समस्या रहेगी तो भगवान पहले समस्या बनाने से पहले उसके दो हल बनाता है, और जो उसके हल है ना वो उसकी फाउंडेशन में छुपे हुए रहते हैं. कोई भी ताला बिना चाबी का नहीं होता है, चाहे जमाना पासवर्ड वाले ताला का हो गया तो भगवान ने उसके लिए पासवर्ड बना के रखा है. तो एक हमको ह्यूमन होने के नाते, एक मानव होने के नाते, हमको उस पासवर्ड की लगातार खोज करते रहना है. और क्राइसिस में जो आपको डेंजर है, वो आपकी जिंदगी में कोई एक फेलियर आ गया, फेलियर सबकी जिंदगी में भी आया है और समस्याएं हर किसी की जिंदगी में रही है. हम महाभारत पढ़े, हम रामायण पढ़े, रामचंद्र और कृष्ण भगवान दोनों जब सामान्य रूप इंसान के रूप में आए, उनके जीवन में भी बहुत चुनौतियां थी. लेकिन आपको चुनौतियों को देखना है, अगर उनसे कुछ सीखना है उसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है. अगर आप एक्सक्यूज देते रहोगे जिंदगी भर में तो आप कभी भी किसी भी चीज के आप सॉल्यूशन के लिए नहीं जा सकते, ऐसा मेरा सोचना है. और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर. और शायद यही सब जो बातें हैं धीरे धीरे मुझे बच्चों की तरफ प्रेरित की गई, और मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे पेड़ अच्छा बनाना है तो मुझे बीच पे काम करना होगा, इसलिए बच्चों के साथ काम करना मेरा पैशन है. और आज जब लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम आपका टर्नओवर कितना है, तो मैं बोलती हूँ मेरा टर्नओवर शंख और पद्म में, तो लोगों को आश्चर्य होता है, अरे मैडम इतनी बड़ी करोड़पति अरबपति खरबपति हो. मैं अभी तक 1,80,000 से ज्यादा बच्चों को 1-to-1 या ग्रुप काउंसलिंग कर चुकी हूँ. वेबिनार का तो अभी तक हमने हिसाब ही नहीं किया 1.5 साल से. और जैसा कि शेक्सपियर जी ने कहा था कि हर व्यक्ति की अगर उसके इंसान के शरीर की कीमत निकाली जाए तो 1 करोड़ उसकी कीमत होती है. हर व्यक्ति अपने आप में करोड़पति है. तो अगर मैंने 1,80,000 बच्चों के जीवन को टच किया है, मेरी अगर उनकी एक कोई बात उनके जीवन को बदलने में तैयार रही है, तो अगर मैं 1,80,000 को 1 करोड़ में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास तो शंख पदम है. एक बार सेंट्रल क्रॉनिकल में एक मैडम ने लिखा था मेरे बारे में वुमेन डे पे कि मैडम दुआओं का बिजनेस करते हैं. तो जैसा कि लाल सर सब कुछ बोल चुके हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए, हम उनके शिष्य रहे हैं, तो हमने हमेशा यही देखा कि जब भी कोई चुनौती आई है तो सबसे पहले उसका आप सामना करिए. और अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर उसका कोई हल निकल सकता है तो आप हल निकाल लीजिए, नहीं तो आप सिचुएशन को जितने जल्दी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप उसको अल्टर नहीं कर सकते. और जितना जल्दी आप सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेंगे, आपकी अडॉप्टेबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल सकेंगे. और मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत हमेशा रहा है कि हरकत में ही बरकत है. अगर आप कुछ ना कुछ हमेशा जिंदगी में करते रहिए. और जब एक समय ऐसा था कि जब मैंने लेखन का भी काम किया, अभी भी कर रही हूँ, उसी के सिलसिले में हमारी लाल सर से मुलाकात हुई थी. लाल सर से हमको बहुत कुछ सीखने मिला जब सर यहाँ दैनिक भास्कर में थे. तो आप कोविड के समय जब सब कुछ बंद हो चुका था, और हम लोग भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, करियर जहाँ स्कूल कॉलेज नहीं चल रहे हैं वहाँ करियर काउंसलिंग क्या होगी, वहाँ होगी. लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट है, हमने मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव पे काम किया. और जो मैं मानती हूँ कि देवी देवता में जो दे शब्द होता है, हर व्यक्ति अपने आप में देवी देवता है, वो सबको सब कुछ दे सकता है. तो आपके पास जो है आप उसको लोगों को दीजिए, आप खुशी दीजिए, आप मुस्कान दीजिए, पैसा मत दीजिए, अपना समय दीजिए. और सबसे बड़ी बात है कि बीच पर काम करिए, बच्चों पर काम करिए. आज अपने बच्चों पर काम करोगे तो आपका जो पेड़ बड़ा होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो कि डॉक्टर अनिल गुप्ता उनका फाउंडेशन भी ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है. क्योंकि हम जानते हैं कि 2030 में WHO ने बताया है कि अगला जो पेंडेमिक होगा वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होगा, जिसके लिए अभी हमने मेंटल हेल्थ काउंसिल की जिसकी मैं चैप्टर हूँ विकी की, उसमें हमने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं. तो इसीलिए ये है कि आप हमेशा, और सबसे बड़ी बात है, लोगों से हेल्प मांगने में बिल्कुल मदद की जाती है.
जब हमको वेबसाइट का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल सेठ जी के सामने करना था, हमारे पास 1-2004 में लैपटॉप था, लैपटॉप खत्म, लैपटॉप खराब हो गया। हमने तुरंत हमारे जो LIC के कंसल्टेंट थे मिस्टर शरद तामकर, उनसे हमने उनका उधार का लैपटॉप लिया और उससे जाके हमने अपनी वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया। हमारे पास फोन नहीं था, मारुति ऑटोमोबाइल में अरुण चिंघानिया जी से उनका एक एक्सटेंशन लेकर घर में काम किया, डाइनिंग टेबल की चेयर से काम किया। तो मैं तो मानती हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो सर ने बोला कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त हो और उसी में ही देने का काम शुरू करते रहिए। क्योंकि ये जिंदगी ना ये एक इको की तरह है। आप पहाड़ में जाते हो, आप अपना नाम चिल्लाते हो तो आपका नाम वापस आता है। आप आई लव यू चिल्लाते हो, आई लव यू वापस आता है। आई हेट यू चिल्लाओगे, आई हेट यू वापस आएगा। तो अच्छे कर्म करते रहिए, आपको फल मिलता रहेगा और चुनौतियां तो रहेंगी, पर हम उस चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हैं ये उस बात पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया मैम, आज तो मैं सच में निरुत्तर हूँ। ऐसे ऐसे गुरु सामने बैठे हैं कि मैं अगर समअप करने बैठूं तो शायद एक प्रोग्राम तो समअप में निकल जाए। इतनी सारी बातें और इतने अच्छे विचार, दृढ़ विश्वास, मल्टीटास्किंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानना, करियर में आपका क्रिएटिविटी ढूंढना, आपके क्राइसिस में क्रिएटिविटी ढूंढना, माफी चाहूंगी, प्राप्त ही पर्याप्त है। और मैं क्या क्या गिनाऊं मैम, बहुत सारी चीजें मुझे मिल गई और मैंने बोला तो शायद आगे का ये प्रोग्राम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आज ये प्रोग्राम ऑडियंस नहीं देख रही है तो वो बहुत बहुत कुछ मिस कर रही है। और आपने जैसे मेंशन करा कि छत्तीसगढ़ में जो एक मेंटल हेल्थ के ऊपर एक पूरी सोसाइटी बनी है जिसके आप लीड कर रही है, मैं चाहूंगी कि आगे हमारे फाउंडेशन के साथ और इस साइड फ्री इंडिया की मुहिम को हम आपके उसके साथ मिलकर एक अलग ही लेवल पे पहुंचाए, क्योंकि उद्देश्य हमारा भी यही है। साइड फ्री इंडिया हमारी एक मुहिम है, एक छोटी सी मुहिम है और वही है, उंगलियां जुड़ेंगी तो एक मुट्ठी बनेगी। तो बिल्कुल इसके इस प्रोग्राम मुझे एक मिनट देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लाल सर यहाँ बैठे हैं, जब हमारी उनसे एक बार मुलाकात हो रही थी तो सर मीडिया के तो बेताज बादशाह है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सर से मिलने के लिए गए थे। तो सर ने मुझे बोला कि मैडम आप महाराष्ट्रियन हो लेकिन आप महाराष्ट्रियन लगते नहीं हो, क्योंकि ये जो आप में थोड़ी सी उग्रता है, जो आपकी तीव्रता है। मेरे हस्बैंड काफी शांत और सहज और सरल स्वभाव के हैं, मैं थोड़ी सी उग्र स्वभाव की होती हूँ। तो फिर सर ने मुझे एनालिसिस करके बताया कि चूंकि मेरे जो पैतृक जो है मैं महोबा यूपी से जुड़ी हुई हूँ और जो आला उदल का क्षेत्र है मैं वहां की, मेरी मतलब मेरे दादाजी की वंशज भूमि है। तो मैं सर लाल सर आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूंगी कि लाइफ में कई ऐसे मौके आए कि जिसमें मैं हार सकती थी, जिसमें मैं निराश हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी ये जो बात मेरे मन में रही कि तुम आला उदल की वंशज हो, तुम आला उदल के स्थान की हो, और मैं फिर उठती थी और मैं संघर्ष करती थी। और ईश्वर ने आभारी हूँ कि मुझे आज का दिन दिया कि मैं सामने खड़े होकर आपको उस आशीर्वचन के लिए धन्यवाद दे पा रही। वर्षा मैम आपके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ जब काउंसलिंग के दौरान, लेकिन आज जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ कुछ और नया करने के लिए। और ये जो आपकी बातें हैं, रियली जो आपकी लाइफ स्टोरी है वो खुद एक मोटिवेशनल स्टोरी है दूसरों के लिए। और जिस तरीके से आपने उसको जिस अंदाज में बयां किया है ना, वो किसी को भी, अगर आपका ये जो 15 मिनट का आपकी टॉक थी अगर यही कोई सुन ले तो वो शायद अगर सुसाइड करने का मन बना भी रहा होगा तो 1 सेकंड के अंदर चेंज कर देगा और वो अपने नए रिसोर्सेज की तलाश में निकल जाएगा। मैडम मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, आने वाले समय में भी हम आपसे मदद लेते रहेंगे ताकि ये सैड फ्री इंडिया के अंदर हम इसको और आगे लेकर जा सके। थैंक यू मैम। जरूर सर, जरूर सर, ये मेरा आपको पूरा वादा है। और अभी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, हम उस पे अभी काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी जी, और जैसा कि यहाँ ज्ञान की बारिश हो रही है, इसी ज्ञान की बारिश में अगले गोते खाने के लिए मैं तैयार हूं और मैं इनवाइट करूंगी अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट के लिए। ये भी किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पटेल साहब को ज्ञान का भंडार माना जाता है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काफी एक जाना माना नाम है। ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं,
इस कोरोना काल में इन्होंने कमर कस के लोगों की मदद करी है। जो हम आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं, वो लोगों को कैसे मदद करना है, क्या करना है, एक ग्राउंड जीरो से जिस इंसान ने मेहनत करी है, आज वो चेहरा हमारे सामने है। इनको इनकी ज्ञान शक्ति के लिए लोग पहचानते हैं, इनको कई डिपार्टमेंट से आमंत्रण आता है कि आप आकर इस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा समझाइए और चीजें आगे ले जाइए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही उम्दा तरीके से अगर कोई सारी चीजें समझा सकता है तो वो पटेल साहब हैं। तो इनके नाम भी जैसा हमने मेंशन करा शुरुआत से, हम जितने भी पैनलिस्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इनके नाम भी बहुत से अवार्ड है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको काफी सराहा जाता है। इनकी कार्यशैली भी एकदम हटकर है और एकदम अलग है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब में कैसे बैलेंस बनाना है और कैसे उनका सामना करना है, सब कुछ एक अकेले व्यक्ति ने सीखा है और आज हमें सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं आवाज देना चाहूंगी नेक्स्ट पैनलिस्ट मिस्टर केदार पटेल को। आपके बेहतरीन काम के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं टीचर्स डे, सो वॉट बेटर देन यू कि जिन्होंने इतने सारे बच्चों को, सर ने भी जैसे मेंशन करा, ट्रेनीज को आपने ट्रेन करा है। सो वेलकम वेलकम टू द शो एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैडम जी। गणेश विनायक फाउंडेशन के साथ साथ हमारे जो रतन सर हैं, किजन भाई मैडम हैं, वर्षा मैडम, गुप्ता सर, सभी को मेरा प्रणाम। सर ने, लाल साहब ने, वर्षा मैडम ने बहुत कुछ बता दिया है, बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं, बहुत बात हो गई है वक्ता लोगों ने। आज टीचर डे भी है, टीचरों से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टीचरों के बात को सुन सुन के उससे मोटिवेट लेते हैं। लेकिन मैं आज एक ऐसा आपको एक्सपीरियंस सिखाऊंगा जहां पर मैंने अपने स्टूडेंट से, जो मेरे जो स्टूडेंट ने मेरे को जो चीज बताया, जिससे मेरी पूरी लाइफ जो चेंज हो गई। बहुत बार तो हम अपने शिक्षकों से सीखते ही हैं, लेकिन कभी कभी यह रहती है कि जो चीज हमने अपने स्टूडेंट को बताया है, हम यदि क्लासरूम में बता दे रहते हैं, कोई चीज बोल दे रहते हैं, उस समय हमने तो ऐसा सिंपल ढंग से बोला रहता है, लेकिन यदि वो स्टूडेंट वही चीज बोलता है कि सर आपने ये चीज मुझे सिखाया था, आज आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि हम इस चीज को कोविड के बाद कर रहे हैं, कोविड में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बीमारियों से बहुत परेशान रहे हैं, तो बीमारी में क्या परेशानी रहती है, मैं पर्सनल घटना से आप सभी को बताना चाहूंगा। जब अभी मैं रायपुर में पोस्टेड हूँ, रायपुर से पहले मेरी पोस्टिंग जहांगीर में थी। रायपुर में मेरा पहला दूसरा टेन्योर है। पहला टेन्योर में मैं मैडम लोगों से मिला था, वर्षा मैडम से हमारी बहुत बात होती थी, करियर गाइडेंस में बहुत कुछ हम लोगों ने काम भी किया था। जब मैं जहांगीर में भी गया तो उस चीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था कि हम स्कूलों में जाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। लेकिन हमको एक चीज लगता था कि हम लोगों को, जैसे ग्रामीण क्षेत्र था, बता दे रहे हैं कि सेना में भर्ती होती है, इंजीनियरिंग में भर्ती होती है, मोटिवेट भी कर दे रहे हैं, लेकिन तैयारी नहीं करवा पाते थे कि भाई जब हमने बता तो दिया लेकिन जब तक आप तैयारी नहीं कराओगे वो जाएगा कैसे। तो हम लोगों ने जो करियर गार्डन का जो तीसरा पक्ष समझता है कि प्रिपरेशन, कि हम लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए। जहांगीर में हम लोगों ने जब निःशुल्क ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया तो मेरे लगभग 7.5 साल के कार्यकाल में वहां 500 से ज्यादा बच्चे आज हमारे इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए थे। मतलब पूरा सिलेक्शन भी होता था, पूरा हम लोग उसमें फ्री में ट्रेनिंग देते थे, उनका रहना खाना से लेकर। जब मैं 2013 में था तो हम लोगों ने जहांगीर में पहली बार रैली भी करवाई थी, लोगों को रहने खाने की सबकी व्यवस्था की थी। तो एक प्रकार से जो जहांगीर का मेरा कार्यकाल था, हमारा गृह जिला रायगढ़ है, घर भी पास था, सर्विस भी अच्छी चल रही थी, लाइफ मतलब पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत अच्छा चल रहा था। हम एक बोल सकते हैं कि जीवन का गोल्डन पीरियड था। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि जिंदगी हमेशा गोल्डन पीरियड में नहीं रहती है, यदि सुख है तो दुख भी आता है। अगस्त 2016 में एक ऐसा चीज हो गया, मतलब पर्सनली जो है कि एक दिन हमारे छोटे बेटे के हाथ पैर में कुछ सूजन टाइप का आए, कुछ खुंसी हुई, तो हम डॉक्टर के पास उनको ले गए। डॉक्टर वहां ने जो टेस्ट किया, मेरे मित्र ही थे, उन्होंने बोला कि इसमें ल्यूकेमिया के कुछ लक्षण है। हम तब को पता ही नहीं था कि ल्यूकेमिया होता क्या चीज है। उन्होंने बोला कि आपको अभी इसी रात में ही आप इसको रायपुर ले आइए। जब हम रायपुर लाए, रायपुर में जब डॉक्टर ने बताया कि इसमें इस प्रकार का चीजें हैं, आपको 2.5 साल तक यहाँ रहना पड़ेगा, तब तो ये लगा कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, सब कुछ जो है हम लोग किया है, हमारा पूरा जो है सब कुछ तहस नहस हो गया है। उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि बेटा रायपुर के हॉस्पिटल में था, छोटा बेटा, बड़ा बेटा 12 साल का था, वो जहांगीर में पढ़ाई कर रहा था। मेरी नौकरी दोनों जगह,
मैं डावाडोल स्थिति में था कि कभी जहांगीर रहता था कभी रायपुर आता था। उस समय डॉक्टर साहब ने भी, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी सलाह दिया कि आप रायपुर ट्रांसफर करा लीजिए। और उस समय मेरे एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद किया, उन्होंने मेरा ट्रांसफर रायपुर करा दिया। मैं सितंबर में 2016 में रायपुर ट्रांसफर होकर आ गया था। लेकिन उस समय छोटे बेटे के पास तो मैं आ गया, मिसेस के पास आ गया, हॉस्पिटल में उनको टाइम देने लगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थी कि जो 12 साल का हमारा बेटा था, जिसको मैंने कहीं 12 दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, मिड सेशन था, सितंबर का महीना था, तो आगे रहकर पढ़ाई कैसे करेगा। उस समय मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि मैं इनको अपने घर में रखूंगा, हमारे साथ रह के पढ़ाई करेगा। जिस दिन मैं रिलीव होकर आया, उस दिन मेरे बड़े बेटे ने बोला था कि पापा आप लोग कोई चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। बेटे की जो बात थी, हमको इतना संबल दिया कि मेरे को लगा कि जब मेरा बेटा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना बोल रहा है, हमको इतना संबल दे रहा है, तो हमको भी इसमें हारना नहीं है। और जो एक चीज बोलते हैं कि जो दुख ऐसा चीज है जो इंसान को बहुत जल्दी बड़ा कर देता है और समझदार बना देता है, उस दिन मुझे लगा कि भाई जीवन में दुख टाना भी एक जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सुख सुख में हैं, हमको बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है। तो हमारे बड़े बेटे ने जो 12 साल का था, इतना अच्छा से मतलब हमको संबल दिलाया। उसके बाद जब हम आ गए रायपुर में, इलाज होता रहा, सब कुछ अच्छा रहता चल रहा था। जनवरी 2017 में घटना हुई कि दो जवान सेना के वर्दी में मुझसे मिलने आए। जब हॉस्पिटल में वो मिलने आया रायपुर, तो मुझे उनका चेहरा जाना पहचाना लगा कि इनको मैंने देखा है। उन लोगों ने बताया कि सर हम जहांगीर से थे, हम लोग छुट्टी में आए थे अपने गांव, हमको गांव में पता चला कि आपके बेटे के साथ प्रॉब्लम है, तो हम आपसे मिलने आए। मतलब अपनी छुट्टी लेकर जो 10 दिन के लिए आए थे, उनको लगा था कि मिलने आए हैं। तो उस समय मैं एकदम पूरा मना था, मतलब किसी चीज में मन भी नहीं लगता था। उनको देख के उन्होंने मेरे को एक अलग फेस में देखा था जब मैं जहांगीर में था, उनको कैसे मोटिवेट करता था, स्कूल कॉलेज में जाके लगता था। उन्होंने उस दिन मुझे बोला कि सर आपको देख के हम मोटिवेट होते थे, आप हमको हमेशा बोलते थे कि भाई हमको किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराना है, हर समय का मुकाबला करना है। आपके कारण हमें देखिए छोटे से गांव से, वो लोग लद्दाख में पोस्टिंग थी उनकी, हम वहां तक पहुंच गए हैं आपके मोटिवेशनल से, और आप जो है हताश हो गए हैं। सर आपके जरूरत हमको और है, हमारे जैसे युवाओं को जरूरत है, आप कुछ कीजिए। जब हम हॉस्पिटल में थे या परेशानी थी, तो बहुत लोगों ने हमको मोटिवेट किया था, लेकिन वो दिल में लगती नहीं थी। लगता था कि भाई ये लोग तो हमारे दोस्त हैं या डॉक्टर हैं बोल रहे हैं। लेकिन उन दोनों स्टूडेंट ने बोला कि आप यदि कुछ करिए तो हमको फायदा होगा, हमारे स्टूडेंट को फायदा होगा। तो उस समय मैंने ये किया कि हम जो करियर गाइडेंस करते थे, वर्षा मैडम भी करती थी, हम लोग स्कूल कॉलेज में जाकर उसको बोलते थे, लोगों को बताते थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे पीएससी के बाद आना है, एसएससी के बताना है, पीएससी के बताना है, तो मैं पढ़ लिया और जाके बता दिया। मन में बार बार आता था कि इसको मैं लिख लूँ, कुछ बुक के रूप में बना लूँ, लेकिन जब काम ज्यादा रहता था, आलसपन रहता था, तो उसको मैं नहीं कर पाता था। जब हॉस्पिटल में थे तो मेरे पास समय बहुत था, मैंने बहुत छुट्टी भी ली थी उस समय, तो मैंने पूरा उसको किताब के रूप में लिखना चालू कर दिया कि गवर्नमेंट आप 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं, 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, जितने हमारे हैं मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें हम एडमिशन कैसे लेंगे, गवर्नमेंट की कितनी भी छात्रवृत्ति है, जो चीज मेरे पास मटेरियल था लेकिन लिखित रूप में नहीं था। और लगभग मैंने 50 दिन में 300 पेज की किताब लिख डाली हॉस्पिटल में। और वो किताब जब उस समय हमारे कलेक्टर साहब थे, उनको मैंने दिखाया कि सर मैंने बच्चों के लिए चीज लिखा हुआ है, तो सर ने बोला कि यार इसको हम प्रकाशित करवाएंगे। और किताब पूरा करियर गाइडेंस के रूप में प्रकाशित हो गई है, और आज रायपुर जिले के हर स्कूल कॉलेज में लोग उसको पढ़ा रहे हैं। उस किताब से जो है हम गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल आप जानते हैं कि इंग्लिश में है, बहुत बड़ा बड़ा भी रहता है, उसको हम लोगों ने एक हिंदी में किताब के रूप में किया है, और उसको हम लोग अपडेट भी करते रहते हैं। तो एक चीज जो हम अच्छे स्थिति में, मतलब मेरे आलसपन के कारण जिसको मैं किताब के रूप में नहीं देख पा रहा था, उस पाल में जो हमारा मतलब मुश्किल का समय था, उसको मैंने उसमें लिखना चालू किया। और जब मैं लिखना चालू किया तो मेरा दिमाग भी सकारात्मक हो गया, जो माइंड में एकदम उल्टा पुल्टा आता था कि हम जो सोच नहीं पाते थे, एक हमारा ध्यान उधर हो गया कि भाई हमको कुछ करना है। उसके बाद जब कलेक्टर साहब को यहाँ के पता चला, तो उन्होंने बोला यार कि तुम सेना भर्ती में जहांगीर में बहुत अच्छा किए थे, रायपुर में भी उन्होंने जून 2017 में बोला कि हम एक एयरफोर्स की यहाँ रैली करवा देते हैं और इसको आपको देखना है। मतलब मेरे डिप्रेशन के निकालने के लिए, जैसे आपने भी अच्छा किया होगा, तो उन्होंने भी बोला कि इसको आप देखोगे। एक महीना तक हमने उसमें मेहनत किया, और फर्स्ट टाइम में हुआ था कि 208 लड़के छत्तीसगढ़ से एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए थे। मतलब आपसे सबसे बड़ा फिगर है छत्तीसगढ़ के लिए, इसमें तो जाते थे। उसके बाद सर ने बोला, कलेक्टर साहब ने, कि भाई हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, 24/7 लाइब्रेरी बना रहे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है जहां पर जिसको इंटरेस्ट रहेगा वही जा पाएगा, वहां पर स्टूडेंट भी आएंगे। और उसको बोले कि आपको भी उसका नोडल बनना है, तो लाइब्रेरी में भी हमको उन्होंने नोडल बना दिया। 2500 बच्चे अभी हमारे हैं, और पहला एक लाइब्रेरी है जो 24/7 चलता है,
गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग बोलते हैं कि लोगों का अधिक तक शिकायत रहती है कि लोग तो कुर्सी में मिलते नहीं है, 10 से 5 काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जो लाइब्रेरी 24/7 चल रही है, मतलब आज संडे फिर भी हमारी लाइब्रेरी खुली ही है, सिर्फ साल में 2 दिन बंद रहती है, एक दिवाली के दिन और होली के दिन। रात में कोई 12 बजे भी हमारे पास फोन आ जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी टीम हम लोग सॉल्व करते हैं। उस लाइब्रेरी में बड़े घर के बच्चे हैं, छोटे घर के बच्चे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने चीजों को उनको बताते जाएं, एक अच्छी सुविधा दें। और एक चीज वही है कि जो हमें जो सब चीज हमें छूट गई थी, पहले भी जानकारी थी लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, उस समय मैंने उसमें लिखना पढ़ना चालू किया। मैंने बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन होते हैं, आरक्षण जिसके आधार पर भर्ती होती है, उसका मैंने पूरा पीपीटी तैयार किया। और छत्तीसगढ़ के जितने भी जो सीनियर आईएएस हैं, के लिए जो नए अधिकारी हैं, जो पीएससी से यूपीएससी सेलेक्ट हो आते हैं, इस मैटर पर जो रिजर्वेशन एक बड़ा चीज है, सभी को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि भाई वो मेरे लिए कठिन समय था, लेकिन एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आ गया कि मेरे पास जो चीजें बिखरी हुई थी उसको मैंने समेट के डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर लिया, बहुत कुछ उस समय ने पढ़ भी लिया। और आज की स्थिति है 5 साल के बाद कि भगवान की कृपा से, मित्रों के बेल विशेष से बेटा ठीक हो गया है, आपके स्कूल में भी, मैडम के स्कूल में भी जा रहा है जो हमारे एंकर मैडम है, सब कुछ लाइफ लग रहा है कि सामान्य आ गया है। लेकिन फिर भी मैंने जो सीखा है कि जो अपनी हॉबीज है, जो पढ़ने लिखने की चीजें हैं, उसको हम हमेशा बनाए रखें, इससे हमको मोटिवेशनल भी मिलता है और लोगों के लिए हम कुछ कर पाते हैं। और देखिए कि मैंने उन जो 2 बच्चे आए थे जो जवान है, उनको मैं पहचानता भी नहीं था, लेकिन कभी कभी दिन हमने जिंदगी में अच्छा किया है, किसी के लिए हमने अच्छा बोला है। बहुत बार ये लगता है कि हम हर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, मोटिवेशनल बात बोलते हैं, हमारे लिए एक सिफर का क्लास रहता है, लेकिन हो सकता है कि उस हमारी बात से किसी की लाइफ बदल जाए। एक चीज जो हमने बोला है वो किसी के लिए लाइफ चेंजर भी हो सकता है। और वही चीज यदि हमको बताए, यदि हम यदि मान लीजिए उसका पालन नहीं कर रहे हैं, यदि कोई चीज यदि मैं बोल रहा हूँ तो वहां पर सिर्फ मैं मोटिवेटर नहीं हूँ। जो गांधी जी बोलते थे कि भाई आप यदि गुड़ छाने खाने के लिए किसी को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो पहले आप खुद छोड़िए। तो बच्चों ने मुझे उसी दिन वही बोला था कि सर आप तो हमेशा मोटिवेट करते थे, लेकिन आप क्यों इतना डिप्रेस में। वो चीज मेरे दिल तक चली गई थी और मुझे लगता है कि हम यदि मोटिवेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वो काम आएगा। मैं 2-3 चीजें बस बोलना चाहूंगा क्योंकि सर लोगों ने सब बोल दिया है। यदि हमारा यदि जिंदगी का सही टाइम चल रहा है, यदि पॉजिटिव चीज चल रही है, तो हम लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि यदि समय का कोई कुछ नहीं बोल सकता है कब आपका समय गलत आ जाए, क्योंकि यदि आपने उस समय यदि लोगों का मदद किया है तो लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। कोई भी मित्र आपका मदद कर सकता है, परिवार वाला कर सकता है, आपका स्टूडेंट भी मदद कर सकता है। दूसरी चीज यह है कि आजकल सोशल मीडिया भी ज्यादा है, लोग सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम देते हैं, तो वहां की दोस्ती से अच्छा है कि हम वास्तविक दोस्ती करें, परिवार वालों के साथ दें, क्योंकि मुसीबत में हमारे लिए वही लोग काम आएंगे। और जो भी हमारी परेशानी आए, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि हमारी जो हॉबी है, बचपन में जो हमारी हॉबी थी, चाहे वो पढ़ने की हो, खेलने की थी, लिखने की है, उसको हमको बरकरार रखें। सरकारी नौकरी में किसी क्षेत्र में आने के बाद हमको लगता है कि लिखना पढ़ना जो है, विशेष करके सरकारी क्षेत्र में छूट जाता है, क्योंकि अपने पास प्रोफेशनल में इतना काम रहता है, इतना टेंशन रहता है। लेकिन मैंने उस चीज को कोशिश किया है कि बना के रखूं, अपडेट हर चीज को रहने के लिए, क्योंकि जैसा मैं स्टूडेंट के पास यदि जा रहा हूं कि आईएएस के एग्जाम कैसे दिलाना है या आईएफएस दिलाना है, तो क्योंकि हर साल उसका चीज बदल जाती है, तो अपडेट मुझे भी रहना पड़ता है। तो हम मैं यही कोशिश करता हूं कि भाई जो भी अपने नेगेटिव चीजें हैं, मतलब जो कमजोरी थी, उसी से हम पॉजिटिव चीज निकालें और हर समय सकारात्मक रहें। आप लोगों ने जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच भैया। मतलब आपने संक्षिप्त, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ, आज के जो पैनलिस्ट हैं मेरे, वो कुछ ऐसी बात कह के जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दिल को छू जा रही है। ईसीजी की लाइन भी जब तक टेढ़ी मेढ़ी चलती है तभी तक अच्छी लगती है, अगर सीधी हो गई तो वो भी हमें पसंद नहीं आती। तो ये तो जिंदगी है, अगर ऐसे ही चलती रहे तो ही मजा है। और आपने जैसा बोला कि आपका समय अच्छा चल रहा है तो मदद जरूर करें, और अगर खराब चल रहा है तो उसमें भी सकारात्मकता तलाशें, जैसे आपने तलाशी। हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी आपने ऐसा मटेरियल तैयार करा जो आज भी बच्चों की, युवाओं को मदद दे रहा है। प्लस आपको सीखने के लिए शिक्षक और अपने से ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आपकी आसपास की चीजें आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जैसा आपने बोला कि वो 2 बंदे आए थे, उनकी बात आपको दिल को छू गई, और शायद आप ये बोलते होंगे और वो आपको ये याद दिला ले गए
कि आप ही उनको हिम्मत देते थे और अभी आपको भी पॉजिटिवली ही सोचना है। तो बहुत ही बेहतरीन सर, पैशन को जिंदा रखना है और इसी बात का जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट। और इन पैनलिस्ट को मैं आवाज दूं, उससे पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगी सभी की इजाजत के साथ। ये हमारे फाउंडेशन का ही काम है, जैसा आप सबने मेंशन करा कि हम एक कारवां लेकर जब चले तो अकेले थे और कारवां जुड़ता चला गया, ये कुछ बड़ा होता चला गया। तो अभी आपके सामने छोटा सा स्लाइड दिखा रही हूँ आपको। ये स्लाइड एक्चुअली हम जो फाउंडेशन के थ्रू डिफरेंट एरियाज में वर्क कर रहे हैं, ये केवल उसका एक नमूना मात्र है। ये फाउंडेशन हमारा बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को हिट कर रहा है। जैसे एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं अनुप्रदानम के नाम पे, जहां पर हम लोगों तक उनकी बेसिक जरूरतों की चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत कुछ इसमें करा हुआ है। साथ ही इसके साथ हमारे पास कई सारी जो यहाँ पर एनजीओज वर्क कर रही हैं, वो भी मदद का हाथ हमें बढ़ा रही हैं। और हम बहुत तेजी से कई लोगों की जो नेत्रदान है, जो आई साइट रिस्टोरेशन है, उसके लिए वर्क कर रहे हैं। अंधत्मुत छत्तीसगढ़ की तरफ काफी कुछ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा हम सभी आज यहाँ बात कर रहे हैं, सैट फ्री इंडिया, मेंटल हेल्थ, माइंड बॉडी सोल पर बहुत कुछ हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही जैसा मैंने बोला कि आपने कहा पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए, तो अगला नाम बस उसी कड़ी में को आगे बढ़ाने के लिए है, डॉक्टर अनिल के गुप्ता। ये पेशे से तो MBBS हैं, MD हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, यंगेस्ट आई सर्जन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आई सर्जरीज करी हैं इन द स्टिपुलेटेड टाइम। फिर भी इनकी वो पढ़ने की इच्छा, वो पैशन, वो अभी भी थम नहीं पाया है और इसी वजह से आज भी वो नए नए चैलेंजेस ले रहे हैं और अभी मध्य भारत का एक सबसे बड़ा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो माइंड बॉडी सोल पे वर्क करता है। इनका मानना है कि अगर सैड इंडेक्स की बात करी जाए तो हमारा स्थान भारत का बहुत नीचे आ रहा है, तो हमें वाकई अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत ही जल्द ये एक ऐप भी लेकर आ रहे हैं जो इसी सबसे रिलेटेड है। मेरे ख्याल से मैं शायद कुछ पॉइंट्स मिस कर जाऊं तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधे आवाज दूंगी डायरेक्ट श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल फाउंडर पॉजिटिव हेल्थ जोन NLP कोच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड मेनी मच मोर। ही इज अवार्ड विनर ऑफ many many categories. So over to you Dr. Anil K. Gupta, जिनके ब्रेन चाइल्ड सैट फ्री इंडिया की इस मुहिम में हम भी जुड़े हुए हैं। Over to you doctor, और आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? Thank you अनुभूति, इतना ज्यादा जो आपने बढ़ा चढ़ाकर मेरी प्रतिभा को दिखाया। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जो अपने आप से जुड़ा हुआ हूँ और अपने पैशन के साथ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वर्षा और रतन सर का और केदार सर का और तीजन डी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इन्होंने अपना समय निकाला और समय निकालने के साथ साथ हमारे इस लाइव कैंपस के इस शो का, जिसका मुहिम का उद्देश्य है लोगों को सैडनेस से बाहर निकालकर हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाना, और उसमें जो इन्होंने आज का इनपुट्स दिए जिसके अंदर जो ओरिजिनलिटी थी, यानी उन्होंने अपनी रियल लाइफ से जो सिखाया और उससे जो लोगों को इंस्पिरेशन मिला होगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आज का सेशन बार बार देखने के लायक है। और अगर मैं समअप करूं आप सबकी स्टोरी को, जो आपसे मुझे सीखने को मिला, तो मुझे ये सीखने को मिला कि सबसे बड़ा टीचर वो है लाइफ। लाइफ कभी भी आपको टीच करना छोड़ेगा नहीं। तो जब लाइफ हमेशा आपको टीचिंग देते रहेगा, एग्जाम लेते रहेगा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें नया नया लर्निंग लेना ही पड़ेगा। और इसी मोटो के साथ हमने शुरुआत की थी लाइफ कैंपस की, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो हम एजुकेशन लेते हैं वो हमें कैरियर बनाने में तो मदद करता है, बट जो लाइफ के एग्जाम होते हैं उसमें कई बार हम मार खा जाते हैं, सैडनेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिजीज का शिकार हो जाते हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए हमें आप जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए जिनसे हमें यह समझ में आए कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है लाइफ की। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया, ये जो दुनिया है ये सबसे बड़ा स्कूल है। बस आपको अपना एटीट्यूड ऐसे रखना है कि मैं सुबह उठते ही आज फिर स्कूल जा रहा हूं और जो भी मुझसे मिलेगा वो मेरे लिए टीचर रहेगा, जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ होंगे वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगे और उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं एज ए आई स्पेशलिस्ट मैंने शुरुआत की रायपुर में एक छोटे से क्लिनिक में, तो
तो लगा कि लाइफ बहुत मुश्किल है, कुछ पैसा नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन दिल में जज्बा था, हौसला था और कुछ नया करने का पैशन था। और सोचा था कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आई हॉस्पिटल बनाना है, क्योंकि उस समय जब मैं देखता था कि लोग बाहर जाना पड़ता था, छत्तीसगढ़ से रेफर किया जाता था दिल्ली और चेन्नई के लिए। लेकिन सोच यही थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए कि सारी चीजों का जो इलाज है आई का वो यहां पर हो। और आज मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारे हॉस्पिटल में एटलीस्ट वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक चेन्नई या दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में होती हैं। और पिछले ही अभी हमने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि पिछले 2 साल में नेत्र प्रत्यारोपण, जो सबसे डिफिकल्ट सर्जरी माना जाता है जिसके सक्सेस रेट बहुत कम होते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के प्रशिक्षित डॉक्टरों ने पिछले 2 सालों में 150 से ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण किया। और इन सबके लिए आप सबका प्यार और आप सबका जो विश्वास हम पर है उसके लिए मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका आभार प्रदर्शित करता हूं। शुरुआत हुई थी एक आई सर्जन के रूप में, लेकिन आई सर्जरी के दौरान मैंने जब देखा जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, उनकी जो डिजीजेज होती थी, क्योंकि मैं एक आई सर्जन के साथ साथ उनकी दूसरी डिजीज के बारे में भी उनसे पूछता था कि और कौन सी डिजीज है, और मैं उनके आई के साथ साथ उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था आई साइट के साथ साथ माइंड साइट बहुत जरूरी है। और जिन्होंने अपने आई साइट को ठीक तो कर लिया बट माइंड साइट ठीक नहीं किया तो वो बहुत सारी दूसरी बीमारियों का शिकार हो गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आई साइट के साथ साथ माइंड साइट पे भी काम किया जाए। और यहां पर मैंने सब्जेक्ट पढ़ा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, तो मुझे पता चला कि जो माइंड के इश्यूज होते हैं वो फिजिकल बॉडी के अंदर सारी डिजीज पैदा करते हैं, 80% डिजीज साइकोसोमेटिक है या लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो जब इस बात का मुझे एहसास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मेडिकल साइंस के साथ अदर साइंसेस पे काम करने की जरूरत है। और मैंने हॉस्पिटल में जो ऊंचाई अचीव करनी थी वो मैंने अचीव की, और हॉस्पिटल को डेलीगेशन मोड में देकर कि और डॉक्टर्स की त्याम की जो मुझसे भी ज्यादा सक्षम है, तो मुझे लगा कि अब एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत है जो है सैड फ्री, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन और डिजीज, और आई साइट के साथ साथ माइंड साइट पर काम करना शुरू किया। क्योंकि मेरी पर्सनल फिलॉसफी ये है कि जो भी जिंदगी में घटनाएं घटती हैं उनका एज सच कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग हमारा माइंड देता है, माइंड इज ए मीनिंग मशीन। और जो भी हम मीनिंग देते हैं वो मीनिंग ही आने वाली लाइफ को एक पूरा दशा और दिशा देता है। अगर हमने नेगेटिव घटनाएं जो हमारे साथ घट रही हैं, जो डाउन लेकर जाती हैं, उन्हें एक नेगेटिव मीनिंग दे दिया, बस हो गया शुरुआत, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो जब आप मीनिंग कैसे देते हो ये माइंड की साइंस सीखना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले खुद सीखा कि मैं अपनी घटनाओं को जो मेरे साथ नेगेटिव साइड में हो रही हैं, जो मुझे नीचे लेके जा रही है, उन्हें एक नया मीनिंग कैसे दूं और उससे एक नई शुरुआत कैसे करूं। और वो घटनाएं मुझे एक नया मीनिंग देने के बाद मेरी लाइफ में एक नई एनर्जी लेकर आई, और जो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया, अपने रिलेटिव्स पे इंप्लीमेंट किया कि माइंड के द्वारा आप अपने बॉडी की डिजीज को हील कर सकते हो। माइंड मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, इन मेडिसिन की भी जरूरत है रूटीन पिल्स और इंजेक्शन के साथ साथ। तब मुझे लगा कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर की जरूरत है, क्योंकि हम सब माइंड ब्रेन बॉडी सोल हैं, और अभी तक हम ब्रेन और बॉडी पे काम कर रहे हैं, माइंड और सोल की जो 50% लैकिंग है इसके ऊपर भी तो काम करने की जरूरत है। बस यहां से शुरुआत हो गई, और जैसे जैसे मैं काम करते गया, काउंसलिंग किया, लोगों को बताया, लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिला, मेरा ये सब्जेक्ट अपने आप अपग्रेड होते गया, और आज मैं एंजॉय कर रहा हूं इस फील्ड के अंदर। और आप सबसे जो इस प्रोग्राम के दौरान रूबरू होता हूं, एक नई एनर्जी मिल जाती है। पटेल जी सलाम करता हूं आपको, वर्षा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस तरीके से सिखाया आज मुझे आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है कि मेरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन और मिली है। रतन जी रियली इंस्पायरिंग, और आप सबसे मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप आगे भी लाइव कैंपस पर आते रहें, अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें। रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर तो आप हैं, हम तो एक लर्निंग मोड में हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, और मान लो तो हार, ठान लो तो जीत, यही लेकर आज मैं जा रही हूं यहां से। और बहुत जल्द अगले एपिसोड में एक बार नए पैनलिस्ट के साथ आप लोगों से जुड़ूंगी। जाने से पहले एक छोटी सी झलक आपको जरूर दिखाना चाहूंगी अपने उस ऐप के बारे में, जिसके बारे में जितने मुद्दे आज हमने चर्चा में लिए हैं सभी कुछ आपको वहां पे मिलने वाले हैं। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन सा एक ऐप जो आपको मदद करेगा आपकी हर एक सैट फ्री मुहिम में जुड़ने के लिए। टीम वीडियो प्लीज।
जी धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच लाल सर, थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक यू सो मच केदार सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। और आपकी कही हुई हर एक बात आज मेरे दिमाग में रजिस्टर है और उम्मीद करती हूँ मैं भी कुछ उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अपनी लाइफ में। आप, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी, आप ट्यून इन रहे क्योंकि अगली बार जो पैनलिस्ट आने वाले हैं वो इसी चर्चा को और भी दमदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते इसी टाइम इसी समय फिर से मिलूंगी आपसे बहुत ही बेहतरीन मुद्दों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।